अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उसामा फ्रॉम सिटी हाउसिंग जलम। आप लोग सुबह से खबरों में देख रहे होंगे पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। कुछ लोग हजरात थे जो सोसाइटी से खराब थे, लाइक बैरियर टाउन, सिटी हाउसिंग, मेट्रो सिटी, मल्टीपल सोसाइटी थे जिनके लोग खराब थे कि सोसाइटी फ्रॉड होती हैं, ये होता है वो होता है इसके अंदर। बट आप लोग आज देख रहे होंगे पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है, बट सोसाइटीज़ के अंदर बिजली सोसाइटी वाले प्रोवाइड कर, सोसाइटीज़ वाले इसकी सर्विस चार्जेस जरूर लेते हैं बट आपको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको सीवरेज मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें और मिलती है। रोड्स की सफाई होती है, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स होती हैं, यहाँ पे डेली बेसिस पे आती है, रेगुलर सीवरेज टीम आती है, प्रॉपर सफाई होती है हर चीज़ की, रोड्स की सफाई होती है। मतलब ये किसी भी जगह पर आपको कूड़ा करकट नजर नहीं आएगा, बट आप बाहर जरा जाएँ, किसी भी शहर में चले जाएँ, आप लाइक पिंडी में चले रहे हैं, जलम मेन सिटी में चले रहे हैं, या फिर किसी और सिटी में चले रहे हैं, लोअर अंदरून लोअर में चले रहे हैं, आप वहाँ पे आप लोग जाएंगे गली मोहल्लों में कोई सफाई कोई नहीं, उधर नालियों से पानी बाहर आ रहा है, कोई कूड़ा क्रिकेट बाहर पड़ा हुआ, सारा कुछ हर जगह पे जहाँ पे देखेंगे गंद होगा, तारे लटक रही हैं, बारिश होती पानी बाहर खड़ा होता है। बट सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, हाँ चीज़ थोड़ी महंगी होती है, लाइक बाहर एक चीज़ 25 लाख की मिली है, आपको सोसाइटी में 30 लाख की मिल जाएगी। बट सोसाइटीज़ आप ये भी कंपेयर करें, सोसाइटीज़ आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, सोसाइटी आपको दे रही है पार्क्स दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, अंडरग्राउंड सीवरेज, वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, सिक्योरिटी बैकअप, आपके बच्चों की लिए बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है, स्कूल, उसके बाद आपको हॉस्पिटल मिल जाते हैं, हर चीज़ आपको वॉकिंग डिस्टेंस मिलेगी, बहुत साफ सुथरी मिलेगी, यहाँ पे आपको पार्क्स मिलेंगे, राइड्स मिलेंगी, मतलब कि आपको गाड़ी लेके बाहर नहीं सोसाइटी से जाना पड़ेगा, आपकी सोसाइटी के अंदर ही आप हर चीज़ मिलेगी। शहर के अंदर एक नया शहर आबाद हो जाता है यहाँ पे, ये हम लोग इसलिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं ऑफिस सोसाइटीज़ की, ताकि लोग जो है बाहर इन्वेस्टमेंट ना करें, सोसाइटीज़ के अंदर लेके आएँ। ओवरसीज हजरात के लिए बड़ी सेफ किस्म की अपॉर्चुनिटी है, बाहर होता है लोग कब्जे कर रहे हैं जगह, बट सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे नहीं होता, जो चीज़ आपके नाम पे वो आपके नाम पे हमेशा रहेगी फॉर एवर, जब तक आप उस पर आके खुद बयान नहीं देते। इन केस आप चीज़ लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट रिसीव वगैरह करने हैं, ठीक है, आप मुल्क के अंदर ही नहीं है यहाँ पे, तब भी आप लोग जब मर्जी आप आएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर होंगे ना। अगर चीज़ लेट्स सपोज चीज़ आपके नाम पे है, ठीक है, आप बेचते अपने भाई को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, उनको कोई भी आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी को भी हैंड ओवर नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप लोग जब तक खुद नहीं आएंगे तब तक आप डॉक्यूमेंट दूसरा बंदा रिसीव नहीं कर सकते। उसमें दूसरा एक, अगर आप किसी के थ्रू डॉक्यूमेंट रिसीव करवाना चाहते हैं, आप उसको अटॉर्नी भेजेंगे, फॉरन ऑफिस वेरीफाई होगी, देन वो क्या नाम है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स से रिसीव कर सकते हैं। अब लोग बाहर जाएँ, थोड़े पैसे दिए, आपने चीज़ आपने ले ली, बट सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे नहीं होता, हर चीज़ आपको सेफ एंड साउंड मिलती है, इन्वेस्टर भी सेफ है, एंड यूज़र भी सेफ है। आप लोग जब भी नया घर बनाना चाहें सोसाइटीज़ के अंदर बनाएं, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है, आप लोग की आगे बार आने वाली फैमिली को फ़ायदा हो, बच्चों को फ़ायदा हो, अच्छी जगह पर रहे। पैसे आपको जरूर थोड़े फालतू भरने पड़ेंगे, मंथली आपको बेसिस पर सर्विस चार्ज भी देने पड़ेंगे सोसाइटीज़ को, बट आप इससे कंपेयर करें कि आपको सोसाइटी फैसिलिटीज़ क्या दे रही है। आज आप पूरे मुल्क के हालात देख सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में बिजली बंद है, कह रहे हैं अगले 27 घंटे बाद बिजली आएगी, बट सोसाइटीज़ के अंदर आप जाएं, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग की यहाँ पे लाइट आ रही है, ठीक है, हीटर वगैरह लगा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है यहाँ पे, बट आप बाहर जाएँ ना आपको पानी की सप्लाई मिली होगी, ना आपकी घर पर बोरिंग वाला पानी आपको आ रहा होगा, ना बिजली है, ना हीटर है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है बाहर, बट सोसाइटीज़ के अंदर इंशाल्लाह हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को अपनी सोसाइटी के अंदर मूव करना चाहते हैं, किसी भी पाकिस्तान में सोसाइटी मूव करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली को अच्छी आपके फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने सदा दी, आप लोग छोड़े गली मोहल्लों को, सोसाइटी में आएँ, आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। हाँ, अगर आप लोग सिटी हाउसिंग जलम में आना चाहते हैं, सिटी हाउसिंग जलम के लाइक जलम के सराउंडिंग में कोई भी बंदा फ्लैट लेना चाहता है, घर लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, प्लॉट लेना चाहता है, कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है, आज जब हम रब्ता करें आपका भाई आपसे पूरा इंशाल्लाह तावन करेगा। किसी किस्म का भी आपको मसला होगा सिटी हाउसिंग के अंदर हम आपके लिए हाजिर हैं, कोई भी आपको क्यूरी चाहिए हो, एनी टाइम इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हम आपको इंशाल्लाह करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00923106995111। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।